हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एसएडी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की हमारी फोटो एडिटिंग जो कलर चेंजिंग फोटो एडिटिंग होने वाली है। सो गाइस, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस टाइप की फोटो एडिटिंग हम करने वाले हैं। सो गाइस, इस टाइप की फोटो एडिटिंग हम पिक्सआर्ट और लाइटरूम की मदद से करने वाले हैं। अगर आपको इस टाइप की फोटो एडिटिंग पसंद है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सो गाइस, चलते अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइज, हमें पिक्सआर्ट पे आ जाना है और सबसे पहले हमें बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपली ऐड फोटो पे क्लिक करना है और हमारी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है। इसके लिए हमें सिंपली कटआउट पर जाना है और फिर आउटलाइन पर जाना है। तो गाइज, इरेज रिमूव करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली इसको सेव एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सेव कर लेना है। सो गाइज, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इफेक्ट पे जाना है। सो गाइज, हम इफेक्ट पे आ चुके हैं। अब सबसे पहले कलर के ऑप्शन पे जाते हैं, इसके बाद कोलराइज पे। तो कोलराइज पे जाने के बाद इसकी हुई को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, ग्रीन कर लेना है। इसके बाद इरेजर वाले ऑप्शन में जाना है और इसे इन्वेंट कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपली इसको जूमिंग करके और इसके ऊपर रफ करना है। सो गाइस, इसकी साइज को डाउन कर देना है, हार्डनेस को फुल कर देना है। सो गाइज, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपली राइट हैंड कर देना है। सो गाइज, हमारी साइट का कलर चेंज हो चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली वापस इफेक्ट के ऑप्शन पे जाना है और कलर के ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद कोलराइज पे जाना है, इसके बाद इसके कलर को चेंज कर लेना है। इसके बाद हमें इरेजर वाले ऑप्शन पर जाना है और इसे इन्वर्ट कर देना है। सो गाइज, इसके बाद हमें रिस्टोर के ऑप्शन पर जाना है और इसको कलर कर लेना है। सो गाइस, इसके बाद हमें सेव कर लेना है, राइट हैंड कर देना है। गाइज, हमारी काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अभी हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली ड्रॉ के ऑप्शन पे जाना है, ड्रॉ टूल पे जाके और फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। तो गाइज, अब इसके कलर क्लीनिंग के लिए हमें लाइट रूम पे जाना है। लाइट रूम पे आ चुका है, हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली लाइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके ऑब्जर्वर को बढ़ा देना है
और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है और हाईलाइट को भी बढ़ा देना है, शेडोज़ को बढ़ा देना है और वाइट को भी बढ़ा देना है और ब्लैक्स को डाउन कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में हमें कलर के ऑप्शन पे जाना है और टेम्परेचर को बढ़ा देना है। इसके बाद टिन को बढ़ा देना है, इसके बाद वाइब्रेंस को बढ़ा देना है और सैचुरेशन को भी बढ़ा देना है। सो गाइज, इसके बाद हमें सिंपली थ्री डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करके और डिवाइस में सेव कर लेना है। सो गाइज, काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।